हेलो स्टूडेंट्स, पीवीएस लर्निंग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो सीबीएसई 2019 का जो हमारा पेपर आया था, मैंने आपको कहा था ना, मैं कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा और कंप्लीट पेपर भी कराऊंगा। ठीक है, तो सीबीएसई 2019 के अंदर जो पेपर आया था, स्टार्टिंग से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। हम वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुके, डिलीट हो चुके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन वो है जो हमारे एग्जाम में 2019 के पेपर में आए थे। पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी। अब ए बी का है, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है ए बी से डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर ये रहा हमारा, ये है हमारा 2 और -3। यहाँ पर और लिख देंगे, बी बी हमें दे रखा है यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पर लिख दो 1 और 4। लेकिन दो चीजें हमें गिवन है, लेकिन ए हमें नहीं दे रखा है, तो लेको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट डी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए और बी दे देते हैं इसको, है ना, अज्यूम करें कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई भी दे दो आप, तो ये हो जाएगा ए और बी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द, ये सब लिखना आपको एग्जाम में, एग्जामिनर मार्क्स काट लेंगे वरना। ठीक है ना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, हो जाएगा यहाँ पर 2 - 3 इक्वल टू ए प्लस 1/2 और बी प्लस 4/2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज किया हमने यहाँ पर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद में सेपरेट कर लेंगे इनको वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 = a + 1/2। ठीक है ना, इसको इसके साथ में कंपेरिजन कर लेंगे और इसको लास्ट वाले के साथ में, तो -3 = b + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपस में लड़ाओ इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 = a + 1, तो a = 4 - 1 = 3। ठीक है, तो a आ गया हमारे पास यहाँ पर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -6 = ये हो जाएगा b + 4, तो ये हो जाएगा b = -6 - 4 = -10। ठीक है, तो हमें यही तो चाहिए था, तो एक हमारा कोऑर्डिनेट आया यहाँ पर 3 और एक आया -10, यही हमें निकालना था यहाँ पर, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो एक कोऑर्डिनेट ए इज कोऑर्डिनेट 3 - 10। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, स्टेप मैथ के अंदर कोई भी अगर स्किप की तो एग्जामिनर भी मार्क्स स्किप कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। ये नंबर ऐसे ही नहीं दे रखा है, इसका बहुत बड़ा सेंस है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। देखो, देखते हैं इधर ध्यान से, सबसे पहले हमें ए दे रखा है यहाँ पर 1, बी दे रखा है हमें 4, वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, और सी दे रखा है k। व्हेन रियल रूट, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी हमारी डी ग्रेटर देन 0। रियल की हमारी कंडीशन ये बनती है, फॉर्मूला लगा दो b² - 4ac। हाँ, एक चीज और, पूरे कंप्लीट कोई सी भी बुक के हो, एनसीईआरटी के, आरडी के, एनसीईआरटी एग्जाम पर, आरएस के, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं कंप्लीट आपको दे दिए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको उनका मिल जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग जगह से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4² - 4 × 1 × k > 0, ये हो जाएगा 60 -
फोर के ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा 60 ग्रेटर देन जीरो फोर के, ये हो जाएगा के लेस देन फोर। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं करना था, ए बी सी देखना है हमारा, इसको कंपेरिजन करना है। ये ए हो गया हमारा, यहाँ पर ये वन है ना, अगर इसको वन से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये हमारा कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें रियल कंडीशन दे रखी, तो रियल रूट की कंडीशन ये लगा दी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। ये सारे क्वेश्चन आपके CBSE 2019 के अंदर आए थे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन एक और है हमारा, कि वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये चीज हमें ध्यान देनी है। देखो एग्जामिनर क्या होता है, हल्की सी चीजें घुमाएगा, ऐसा तो है ही नहीं कि एग्जामिनर कोई जाके मार्स से या यूनिवर्स से जाकर कोई क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे और हमें दे देंगे। बुक के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है ना, तो इधर देखेंगे, लेट द रूट, वैसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा लेते हैं, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल दे रखा है, तो हम क्या लेंगे, लेट द रूट अल्फा एंड 1/α, ध्यान है ना, अल्फा एंड 1/α, क्योंकि 1/α इसलिए लिया हमें क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद में हमें कह रहा है यहां पर वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे 3 दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है हमारी -10 और सी की वैल्यू दे रखी है k। दिख रहा है सभी को, 3x² - 10x + k जैसे हमने यहां पर निकाला था ना, वहां ऐसे हमें एबीसी हमने यहां से निकाला है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता ही है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना, दो होता है, एक तो सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारा अल्फा बीटा, तो यहां पर हमारा ये क्या है, अल्फा इंटू 1/α। ठीक है ना, नीचे लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं यहां पर, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/α, तो ये क्या हो जाएगा हमारा C/A, ये होता है ना C/A, तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये आ रहा है 1, सी क्या है हमारा K और A क्या हमारा 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, K = 3। ठीक है, आगे के जितने भी इसके क्वेश्चन है, अराउंड आपके वैसे 30 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिलीट हो चुके हैं, 70% ही तो करना है अपन कोर्स, तो अभी ये 3 क्वेश्चन है, इसके पार्ट पे पार्ट आते जाएंगे जल्दी जल्दी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, सेकंड थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, और आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है ना, और स्टडी अपन को अच्छे से करनी है, लास्ट अपने पास 70-80 डेज है, तो उनको जोरों से, जैसे हम कोई फेस्टिवल आता ना हमारा, तो हम जोरों शोरों से, शादी होती है घर में, तो घर में जोरों शोरों से तैयारी करते हैं, वैसे ही एग्जाम में भी लग जाओ। ठीक है, कंप्लीट चीज मैं आपको कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को लो, उसको अच्छे से देखो, शेयर करो, लाइक कर दो, अपने अपने फ्रेंड्स को बताओ, कंप्लीट मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।